हाय एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग कमोलिका। आज फर्स्ट टाइम शायद सुबह बैठ के मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। यूजुअली सुबह से मेरा इतना सारा खाना पकता है, इतना सारा कुकिंग रहता है। एक्चुअली घर में औरत मतलब सिर्फ मैं, मेरी सासू माँ का डेथ बहुत पहले हो चुका है। मेरी एक जेठानी है, लेकिन वो भी बाहर रहती है, फॉरेन में रहती है, आउट ऑफ कंट्री रहती है। तो घर में सिर्फ मतलब छोटा सा फैमिली है, और घर में लेडी सिर्फ मैं। वो भी इतना साल तक मैं बाहर थी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ मंथ ही हुआ है कि मैं फिर से इनके साथ रहना स्टार्ट की। रीज़न बहुत सिंपल था कि इन लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी मेरे बाहर रहने से। अब प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि इतना साल बाहर रहना, एक अलग लाइफ स्टाइल, उससे ये अलग लाइफ स्टाइल, और इधर आने के बाद मैं जॉब के मामले में भी बहुत चूजी हूँ। मतलब कुछ भी मिल जाए कर लूँगी, ऐसी टाइप की मैं नहीं हूँ। तो इसलिए अभी तक मैं बैक करने के बाद भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। कुछ मेरा इंडिपेंडेंट वर्क चलता है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो वो सब काम मेरा होता है, मैं करती हूँ, एकदम बेकार नहीं हूँ। लेकिन सुबह का टाइम मेरा पूरा ब्लॉक रहता है, क्योंकि इनफैक्ट शाम में भी, रात में आफ्टर 9:30 मुझे रात का खाना वाना का इंतज़ाम करना पड़ता है। लेकिन सुबह का टाइम तो मेरा फुल ब्लॉक ही रहता है। पहले मेरी एक कुक थी, वो खाना पकाती थी, लेकिन मेरे रिटर्न आने के बाद समहाउ उसे बहुत दिक्कत हो गई। एक रीज़न से उसका पर्सनल प्रॉब्लम हो गया, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। और मैंने भी और दूसरा रिक्रूटमेंट नहीं किया। मुझे लगा कि चलो अभी हूँ तो इन लोगों को मैं ही खाना पका के खिलाती हूँ। लेकिन अब ये दिक्कत आ गई है कि इन लोगों को अब मतलब मैं, क्योंकि मैं ही पकाती हूँ और मेरे हाथ का खाना इन लोगों को पसंद है। रीज़न है कि मेरे सासू माँ मुझे खाना पकाना सिखाई थी, तो उनका रेसिपीज़ मैं फॉलो करती हूँ। और उनका रेसिपी जब भी मैं फॉलो करती हूँ, तो इन लोगों को अपने मतलब मेरे हस्बैंड को अपने मम्मी के हाथ का स्वाद मिलता है, और मेरे ससुर जी को मेरे उनके वाइफ का हाथ का स्वाद मिलता है। तो इस कारण मैं खाना पका रही हूँ। लेकिन देखते हैं, एक्चुअली मैं कहीं ज्वाइन जॉब में नहीं की, ये भी एक रीज़न है कि कुछ बेटर का इंतज़ार है। अगर हो जाता है, किस्मत अच्छा रहा तो अलग बात है। तो उसके बीच में ही मैंने ये खेल खेल में बोल सकते हो, टाइम पास में बोल सकते हो, मैंने YT स्टार्ट किया। मुझे रील्स बनाना पसंद था, मुझे एक्टिंग पसंद थी, तो मैं इसी के ऊपर फोकस की। पहले मैं मूवी सॉन्ग्स वगैरह में थोड़ा बहुत करती थी। मुझे डांसिंग भी पसंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ी शाई हूँ। वो सबके सामने जाकर, बाहर निकल कर, इधर उधर हाथ वात मतलब हिलाकर डांस करना, इट्स क्वाइट एम्बेरसिंग फॉर मी। बट या जो लोग करते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि इतना हिम्मत है उनमें कि बाहर जाकर सबके सामने कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करना। क्योंकि मुझे तो रास्ते पे निकल के मोबाइल ऑन करके ऐसे वीडियो लेने में भी कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि सब मुझे देख रहे हैं। इतना अभी तक मुझ में नहीं आया है। घर में छोटे से सराउंडिंग में, अपने रूम में कुछ कर लिया, वो अलग बात है। अभी रिसेंटली मैं, जिस लिए सोची आज थोड़ा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। रिसेंट डेज में आप लोग मेरा कॉमेडी शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। नॉर्मल शॉर्ट्स से ज़्यादा मेरे फनी शॉर्ट्स को बहुत लाइक कर रहे हैं, मेरे एक्टिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आता रहता है, मैं देखती हूँ। इसलिए थैंक यू सो मच कि मुझे समहाउ इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है। रिसेंट डेज़ में मैं कुछ नया कंटेंट के ऊपर खुद अपना वॉइस देकर कोशिश कर रही हूँ। अच्छा लगे तो वो भी कमेंट में ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना कि कैसा लगा वो वाला चीज़। मतलब मैं खुद से जो अपना स्क्रिप्ट, छोटा छोटा स्क्रिप्ट तैयार करके मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ। अगर वो भी अच्छा लगे तो ज़रूर मुझसे शेयर करना। ऑब्वियसली मैं दूसरा चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करूँगी, खाना वाना का रेसिपीज़ हो या कुछ हो। तो
ओ हाँ, आज मैं जो बोल रही थी कि क्यों मुझे टाइम मिल गया, मैं बीच में भूल गई, सॉरी। हाँ, मैं एक्चुअली कल बहुत सारा खाना पकाई थी। बहुत सारा मतलब, हम लोगों के बंगाली में एक बहुत फेमस डिश है, उसको शुकतो बोलते हैं, किसी किसी को पता होगा। वो करेले और बहुत सारा वेजीज से बनता है। तो ये इतना ज़्यादा बना था कि 2 दिन का हो गया, मतलब कल खाए उसके बाद। 3 ही आदमी हैं तो बहुत सारा बच गया, तो आज वो तो है ही। उसके साथ चटनी हम लोगों के घर में वो मतलब कॉमन है, वो भी है। और उसके साथ हाँ, मछली मुझे पकानी है, क्योंकि बंगाली मतलब मछली, विदाउट मछली यू नेवर कैन इमेजिन अ बंगाली। तो ऑब्वियसली मेरा भी केस वही है, मछली घर में तो ज़रूर बनेगा। आज मैं वो पकाऊंगी, मछली पकाऊंगी, और चावल पक गया है, और रात में आज चाउमीन बनाना है। तो बस यही, आज सुबह से आज पता है क्या हुआ, मेरे एक भाभी है, बहुत क्लोज है वो, मेरी बहुत ही ज़्यादा क्लोज। वो क्रिश्चियन है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन हम लोगों में धर्म का कोई भेद नहीं है, हम लोग बहुत क्लोज है। हाँ, भाषा के दिख से देखे तो वो भी बंगाली है, वो भी बांग्ला ही बोलती है। तो उनके हस्बैंड मतलब वो भैया, हमारे उस भैया का बर्थडे आ रहा है 19th को, तो ऑब्वियसली इनविटेशन उनके घर में हमारा है, मेरा तो है ही। मेरे हस्बैंड और मेरा हमेशा उनके घर में इनविटेशन रहता है, बहुत पहले से। वो लोग मतलब कंटिन्यू इनविटेशन देते रहते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मौका नहीं मिलता है। तो हाँ, जो क्या हुआ पता है, आज मेरा सरप्राइज का बैंड बज गया। 19th को उनका बर्थडे है भैया का, तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड फ्री नहीं है। और मैं, मुझे पहले से जाने के लिए बोला गया था, लेकिन मैं पहले से जाती तो इन लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि मैं जाती हूँ तो खाना पीना कुकिंग ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। और पापा जो है, पापा मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ आने के बाद से, मैं अगर कहीं भी बोलती हूँ मैं जा रही हूँ, तो उनका मुंह छोटा हो जाता है, वो मायूस हो जाते हैं, बोलते हैं मैं घर में नहीं रहती हूँ तो घर खाली खाली लगता है। तो ऐसा एक सिचुएशन है घर में, तो इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन अब एक होता है ना कि क्लोज है, तो कुछ हम दोनों ने प्लान किया, मैं और मेरे हस्बैंड ने, कि गिफ्ट भेज देते हैं। यूजुअली वो भी करते हैं, उनके लिए तो ज़रूर करते हैं। तो मैं अमेजन से गिफ्ट बुक की थी भैया के लिए, जो दिखाया था कि 19th को डिलीवर होगा, तो मुझे लगा था कि एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, 19th को बर्थडे है तो 19th को ही मिलेगा। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, आज सुबह मैसेज आया कि वो गिफ्ट आज डिलीवर होने जा रहा है शाम के 6 बजे के अंदर। पता नहीं, उसमें एक चिट भी रहना चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अमेजन से एक गिफ्ट पैक भेज रही हूँ। लाइक उधर ऑप्शन था कि अगर मुझे कुछ मैसेज में भेजना है तो मैं वो भी भेज सकती हूँ, तो वो मैं लिखी हूँ, देखते हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे भाभी को बोलना पड़ा कि आज ही जा रहा है, वो भैया के लिए है, वो रिसीव कर ले, और उसमें एक मैसेज होगा, वो है या नहीं मुझे इन्फॉर्म करे, क्योंकि अगर रहेगा तो इन फ्यूचर मैं किसी और को भी ऐसे अमेजन के थ्रू गिफ्ट भेज सकती हूँ। लेकिन देखते हैं, वो तो आज शाम के 6 बजे पता चलेगा। मैं ज़रूर शेयर करूँगी क्या हुआ ना हुआ। तो वही खराब लग रहा है कि आज पूरा सरप्राइज मेरा, ये ऑनलाइन सर्विस ऐसा ही होता है शायद। एक्चुअली फ्लावर एंड ट्रीज ना पेटल्स बोलकर और एक ऐप है, उसमें आप दिन का दिन भेज सकते हैं। मैं उससे भी बहुत बार भेजी हूँ, तब मैं बाहर रहती थी, मेरे हस्बैंड के बर्थडे पर या फिर भाभी के घर में भी मैं उस ऐप के थ्रू भेजी थी। बट उधर गिने चुने गिफ्ट्स है जो मुझे नहीं पसंद आता है ऑलवेज, मतलब उसी में से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं सोची कि कुछ ऐसा भेजना चाहिए जो काम पे भी आए और मुझे भी पसंद आए, जिसको दे रही हूँ उनको भी पसंद आए। लेकिन आज गिफ्ट तो अच्छा है, ऑब्वियसली उनको पसंद आएगा, काम पे भी आएगा। मैं एक्चुअली शेयर कर देती हूँ तुम लोगों से, मैं एक्चुअली उनको भेज रही हूँ पार्क एवेन्यू का एक पूरा किट, तो उसमें सब कुछ है, 7 आइटम है, जो जेंट्स यूज करते हैं, शेविंग किट है वो, उसमें बहुत कुछ आता है उस किट के अंदर। तो वही वाला भेज रही हूँ मैं, क्योंकि वो उनका काम में आएगा।
तो इसलिए तो लेकिन वही कि मुझे बहुत मन खराब है कि 19th को जो जाना था वो आज जा रहा है। हाँ एडवांस जा रहा है, दूसरे टाइम पर होता, जब मुझे चाहिए होता है, मैं जब एक्सपेक्ट करती हूँ कि आज आ जाए आज आ जाए, तब नहीं आता है। लेकिन जब मैं चाहती थी कि टाइम पे जाए, उसी दिन पर जाए, तब आगे भेज दिया। तो चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जैसा हुआ वैसा हुआ। ओके तो बस इतना ही, और क्या बोलूँ आज। देखते हैं आज तो फिर, कुकिंग थोड़ा कम है तो शायद मैं थोड़ा काम पे बैठूंगी। मेरा जो खुद का काम है वो भी, और उसके साथ कुछ कंटेंट के ऊपर भी काम करना है। मैं अभी थोड़ा इस पर भी, क्योंकि वाइटी को मैं सीरियसली नहीं ली थी, लेकिन शायद आप लोगों के कारण, आप लोगों के प्यार के कारण मैं इसको फिर से बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू की हूँ। मुझे लगता है कि यस, मुझे भी शायद अपना दिमाग को यूज़ करके कुछ कंटेंट को क्रिएट करना चाहिए, उसमें थोड़ा कुछ करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी, और अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बोलना, कहीं पर लगे कि करेक्शन की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर बोलना, क्योंकि एक इंसानी हूँ, गलती हो सकता है मुझसे, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। और क्या बोलूं, क्योंकि सच बोलूं तो अभी मैं घर पे रह के काम कर रही हूँ, तो इतना मुझे टाइम मिल रहा है कि मैं बात कर पा रही हूँ। नहीं तो ट्रस्ट में, मैं जब बाहर थी मुझे टाइम नहीं मिलता था। हाँ मैं जब कश्मीर में थी तब मुझे टाइम मिलता था, क्योंकि वो रेजिडेंशियल स्कूल नहीं था। लेकिन मैं जब रेजिडेंशियल स्कूल में थी या फिर ओडिशा में भी थी, तब मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था। इतना बिजी रहती थी कि उसके बीच में कुछ भी क्रिएट करना, कुछ भी करना, अपने लिए टाइम निकालना, ये बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन कश्मीर में मैं बहुत फ्री थी। रियली कुछ गिने चुने लोग छोड़कर मुझे सभी लोग बहुत अच्छे लगे। कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपका बुराई करेंगे, या फिर मैं देखी थी कि कुछ ऐसे ही बोल, मतलब गंदा, मतलब भेदाभेद करना, हिंदू मुस्लिम वाला, तो वो कुछ कुछ है। मतलब मैं सबको नहीं बोलूंगी, लेकिन सभी लोग बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भी उधर से मेरा मतलब एक है, लगता है कि नहीं चलो अच्छा है, अच्छे लोग हैं, सब सब अच्छे होते हैं, कोई खराब तो होता नहीं है। एक्चुअली क्या है बोलो तो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिससे भी मिले उनके दिल में आपके लिए प्यार मोहब्बत और इज्जत बनी रहे। ऐसा नहीं कि आपके जाने के बाद मतलब आपसे कोई दूर भाग भागता रहे कि ओरे बाप रे, इससे दूर रहो, इससे बात मत करो, या फिर ये तो खतरनाक इंसान है, ये मुझे, ये मेरा हार्म करेगा। तो ऐसा इमेज कभी नहीं बनाना चाहिए। इमेज हमेशा क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, जिससे कि लोग आपसे प्यार मोहब्बत करें। तो ये ज़रूर याद रखना, मुझे लगता है कि ये सबके लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर मी ओनली, सबके लिए। चलो अभी मुझे एक्चुअली अभी इधर फिर काटना पड़ेगा, मैं देखती हूँ, मैं शाम में बोलूँगी कि वो अमेज़न वाला चीट में गिफ्ट मैसेज वो लोग भेजा या नहीं। तब आप लोग भी ट्राई कर सकते हो बाहर से, अगर किसी को कुछ गिफ्ट भेजना पड़े उन लोगों का, ये गिफ्ट ऑप्शन जो है इसमें आप, और कुछ नहीं, हाँ गिफ्ट रैपिंग भी होता है शायद, लेकिन इस वाले गिफ्ट में ऑलरेडी गिफ्ट बॉक्स है तो वो लोग रैपिंग नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ एक मैसेज देगा बोला है, तो वो मुझे शाम में पता चलेगा। तो कोई बात नहीं, देखते हैं, वेट करती हूँ, और मैं आप लोगों को भी इन्फॉर्म करूँगी। आज के लिए इतना ही, बाद में इन्फॉर्म करती हूँ। और सब बहुत खुश रहना, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना, और बहुत सपोर्ट करो यारो, आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। और आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मुझे नया कुछ करने का इंथू मिलेगा, है ना। ओके चलो बाय, टाटा।